टॉपिक है, तो मैं आज इसका इंट्रो बताऊंगी, ठीक है, कि मास क्या होता है, ठीक है, और मेजरमेंट इसमें कैसे करते हैं और किस चीज का करते हैं। तो व्हाट इज अ मास, सबसे पहले पता होना चाहिए मास क्या है। तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर अ थिंग कंटेन्स, यानी हम किसी भी थिंग्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करते हैं, इज अ वेट ऑफ, जैसे कि आपका है ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है, मिलीग्राम हो गया, ये सारी चीजें जिसमें हम मेजरमेंट करेंगे वो हमारा मास कहलाएगा, ठीक है। मास जो क्या होता है कि रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अमाउंट रिफर्स करता है। जैसे कि आपके पास ये दिए हुए हैं, ठीक है, तराजू दिए हुए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे वन एप्पल है, ठीक है, यहाँ पे भी वन एप्पल है, यानी दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, एक ही चीज है, सेम ही चीज है। तो ये क्या हो गया, इसकी जो यहाँ पे जो इसकी सुई लगी हुई है वो क्या है, इक्वल है ना, उसको हम कहेंगे हमारा इक्वल हो गया, इक्वल अमाउंट है, यानी सेम है। अगर ये 100 का केजी का है तो ये भी 100 केजी का ही सेम है दोनों में। फिर ऐसे देखिए, यहाँ पे है एक तरफ आपका लाइट वेट है, उधर हैवी, तो जिधर हैवी होता है वेट क्या हो जाता है, उधर चला जाता है। भाई अगर हम दो चीजें रखेंगे तो जो चीज सबसे भारी होगी, जो हैवी होगी, वेट जो होगा उधर की तरफ ही छूट जाता है, और जो लाइट होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। देखिए इधर 3 एप्पल्स है और इधर 1 एप्पल है, तो हमारी ये क्या हो गई, हैवी हो गई, ठीक है, और इसका वेट कितना, जैसे मान लीजिए आपने 100 था, इसका आपने 300 केजी कर दिया और इसका क्या है 100 केजी हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट, ठीक है, हम या जैसे कि आपकी सब्जियां हो गई, कद्दू हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, पम्पकिन, लेमन, और आप मान लीजिए एक आपके पास कॉलीफ्लावर है, ठीक है, 3 वेजिटेबल्स है आपके पास। अब आप उसमें से बताइए कि सबसे जो हल्की वेजिटेबल होगी लाइट वेट वाली वो क्या होगा, ठीक है, लाइट वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसे आप आसानी से उठा सकते हैं, पम्पकिन, लेमन और कॉलीफ्लावर में, तो आप लेमन सबसे लाइट वेट होगा उसको, उसको आप आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ में आ जाती है देखने से ही कि हमें ये लाइट वेट की होगी, इसे हम उठा सकते हैं। इसमें सबसे हैवी कौन सा होगा, सबसे भारी चीज कौन सी होगी, पम्पकिन होगी, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ऐसे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, थिंग्स का। और ऐसे ही आप जैसे बाजार गए, आप सब्जी लेने गए, तो आप क्या करते हैं, सब्जियों को कैसे लेते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं। आपने कहा 1 केजी है, मुझे पोटैटो दे दो ना, तो आप क्या देखते हैं ना कि तराजू में वो 1 केजी कर रहा है, कि एक तरफ वो 1 केजी का बाट रखता है, मान लीजिए कि आपके बाट बने हुए हैं, ठीक है, 1 केजी का, और फिर आपको बाट रख के मेजरमेंट करके आपको 1 केजी पोटैटो दे देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम मास के थ्रू ही मेजरमेंट निकालते हैं। तो इसी मेजरमेंट में आपको आगे एडिशन करना है मेजरमेंट्स में, ठीक है, इसी में मास में उसी का सब्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है कि आपको ये चीजें देखनी है कि आप जो मेजरमेंट करें, जैसे ग्राम है, ग्राम को हम इसका इसको कैसे डिनोट करते हैं, जी से, ठीक है, इसको हम डी से, जी स्मॉल जी से डिफाइन करते हैं, और किलोग्राम को हम केजी से। 1 केजी इज इक्वल टू 1 केजी में कितने आपके ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम, 1000, ठीक है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके आगे की हम एक्सरसाइज जो होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इस इंट्रो को अच्छे से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा, कुछ चीज़ें आपकी बुक्स में भी दी गई है, आप उसको भी पढ़िएगा। ओके, थैंक यू क्लास।